हेलो दोस्तों, लक्ष्मण हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में कि स्ट्रेच मार्क कैसे दिखते हैं, व्हाट डू स्ट्रेच मार्क लुक लाइक। स्ट्रेच मार्क हमारी स्किन पर लंबे लंबे स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। इन लाइंस की त्वचा पतली हो जाती है जिसके कारण यह काले काले से नज़र आते हैं, जिसके कारण यह स्ट्रेच नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स होने के क्या कारण होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स हमारी जांघों पर हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर पेट पर हो सकते हैं और हाथों के कंधों पर हो सकते हैं, शोल्डरों पर हो सकते हैं। यह अधिकतर महिलाओं में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो महिला का वेट ज़्यादा बढ़ता है और इसके कारण ही महिलाओं के पेट पर, प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के पेट पर यह स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। तो सबसे मेन कारण होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर यह ज़्यादा दिखाई देते हैं। किसी किसी पेशेंट के जेनेटिक भी होते हैं कि अपने माता पिता, दादा दादी से यह उनमें आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क होने का मुख्य कारण क्या है। स्ट्रेच मार्क होने का मुख्य कारण होता है तेज़ी से वजन बढ़ना और तेज़ी से वजन घटना, जिसके कारण हमारी डर्मिस या हमारी त्वचा बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, जिसके कारण यह काले काले स्पॉट नज़र आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कारण की, ज़्यादा स्टेरॉयड क्रीम, जिसको हम फेयरनेस क्रीम के रूप में हम अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपनी बॉडी पर लगाते हैं, तो इस क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण भी यहाँ पर स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं। अब हम बात कर देंगे स्ट्रेच मार्क्स का इलाज हम किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पर महिला तीसरे मंथ से पेट पर, अपने जांघों पर, अपने शोल्डर पर नारियल का तेल का यूज करती है या मोशंस का यूज करती है, लोशन कोई सी भी हो, बेसलिंग हो, इसका यूज करती है, तो यह स्पॉट कम होते हैं और प्रेगनेंसी के बाद यह स्पॉट नज़र नहीं आते हैं। स्ट्रेच मार्क को हम डर्मा रोलर से भी ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स पर हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए जिसके कारण यह ज़्यादा फैलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।